है। ये अभी मुरली ने बोला वो सांख्य दर्शन का क्या मतलब है? सांख्य माने संख्या, गणित, जैसे ज्योतिष में गणित होता है। कोई अच्छे ज्योतिषी होते हैं तो ग्रहों की 9 अंकों की अच्छी गणना करके बताते हैं। कोई उतने होशियार नहीं होते तो उनकी गणना उतनी अच्छी नहीं होती है। लेकिन सबसे अच्छा ज्योतिषी कौन है दुनिया में और कौन से युग में होता है? संगम युग में। एक शिव ही है जो सबसे अच्छा ज्योतिषी है। वो ज्योतिषी संख्याओं का ज्ञान करने वाला है, 9 अंकों का ज्ञान उस ज्योतिबिंदु को है। वो जितना अच्छा ज्ञान गणित करके बताता है उतना कोई ज्योतिषी नहीं बता सकता। ऐसा ज्ञानी है और उसे सांख्य योगी का नाम, उसे परम ज्ञानी का नाम क्या दिया? कपिल मुनि। शास्त्रकारों ने क्या नाम दिया? कपिल मुनि। कपिल माने है? कपिल माने जोड़ी। यज्ञ के आदि में भी जोड़ी था, सतयुग त्रेता में तो सब जोड़ी बन के रहते ही है, वो भी जोड़ी बन के रहता है। लेकिन द्वापर में सब बिछुड़ जाते हैं तो भी वो क्या बन के रहता है? 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 द्वापर में भी वो जोड़ी बन करके रहता है। कोई युग में कभी भी वो सन्यासी बनकर नहीं रहता है। सन्यासी क्यों बनते हैं? है? जोड़ी क्यों बिछड़ती है? वो प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करने वाला है या निवृत्ति मार्ग की स्थापना करने वाला है? प्रवृत्ति को जोड़ी कहा जाता है, तो वो निमित्त प्रवृत्ति मार्ग का बनता है या निवृत्ति मार्ग का निमित्त बनता है? काय का निमित्त बनता है? हैं? प्रवृत्ति मार्ग का धर्म स्थापन करने के निमित्त बनता है। उसमें है ही संस्कार प्रवृत्ति मार्ग के।